अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा मैं हूँ तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। टर्किश स्पेशल कमांडोस बर्गंडी ब्रेड्स ये हमारे फेवरेट हैं और थैंक यू सो मच, आपने हमें एक कंप्लीट वीडियो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गोस्ट प्रोडक्शन का जिन्होंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दी। हमें हमेशा इनके छोटे छोटे क्लिप्स मिलते थे तो ज़्यादा क्लिप्स हम इनके मिलते नहीं थे तो हम लोग इनको ढूंढते रहते थे कहीं से हमें बर्गंडी ब्रेड्स की वीडियो मिल जाए। तो ये लेटेस्टली अभी अपलोड हुई है तो हम फौरन इस पर रिएक्शन लेकर आए हैं। लेकिन इसको चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चले फौरन देखते हैं बर्गंडी ब्रेड्स स्पेशल कमांडोस टर्किश गोस्ट प्रोडक्शन। ब्लड भी निकल रहा है, कितनी मेहनत से वहाँ पहुँचे। सबके पीछे वो रॉकेट लॉन्चर्स भी लटके हैं। वाह उनके फेस नहीं दिखाया हुए ज्यादा। हाँ ये शहीदों की इनके ना वो बने हैं। सब वहां पर गए हैं वैसे सलामी देने के लिए ना। ये देखा यहाँ से तो अच्छा रहेगा वो इतना सामान ऐसा होता है ना तो बड़े तरीके से सलामी लगानी पड़ती है कि गिर ना जाए ना। मुझे इनके शूज बहुत पसंद है। अरे सबके पास ये लॉन्चर देखो ये ट्रेनिंग गए थे। ये ओल्ड है। हाँ ये इनके जो शहीद हैं उनकी दिखाई है शक्ल उन्होंने चेहरा दिखा दिया मतलब या वैसे ही अब उनके पास कोई वीडियो नहीं थी शायद वो उन्होंने पुरानी कोई क्लिप्स निकाल के ऐड किए हैं उसने। नहीं मेरा ख्याल में ये हाँ पुराने तो है वो VHS इफेक्ट आ रहा है। वो शायद ये मुर्गा बनाया है। नहीं नहीं ये सारे पुराने इतने चीज की फेसेस दिखा दिए इनके क्या तो कुछ रिटायर्ड हो गए हैं इसमें से कुछ शहीद भी हैं। ट्रेनिंग जैसा ओरिजिनल क्लिप्स भी हैं इसके अंदर बीच में मिक्स किया है। ये अब आपका ये लेटेस्ट आया ये अपने से इनमें देखना चेहरे नहीं दिखाएंगे। हाँ सबसे मज़ेदार बात तो यही मुझे हमेशा लगती है कि एक तो इनके फेजेस नहीं दिखाते हाँ। क्योंकि इनके टॉप कमांडोज में ही आते हैं बहुत प्रोफेशनल हैं और इनको हमेशा टर्किश फोर्स जो है इनके फेजेस नहीं दिखाती क्योंकि ये हमेशा फिल्म सीक्रेट मिशंस भी कर रहे होते हैं काफ़ी अंडर कवर भी काम कर रहे होते हैं तो इसलिए इनकी फेजेस नहीं दिखाते। लेकिन अब हमें कुछ पुराने आर्मी ऑफिसर्स के फेजेस देखने को मिले और बहुत ही प्रोफेशनल थे वो लोग क्यों फिर बिल्कुल और उन्होंने दिखाया मुझे लगता है या तो वो रिटायर्ड हो चुके होंगे या फिर वो शोधा थे उनमें से कुछ शहीद भी शहीद भी होंगे हो गए होंगे क्योंकि वो जो है शोधा की कब्रों पे भी गए वहाँ पर कब्रों पे भी हाजिर दी थी उन्होंने। बिल्कुल और सब ट्रेनिंग दिखाई कुछ ओरिजिनल शॉट्स भी लग रहे थे इसमें तो बहुत अच्छा और इसमें तकरीबन जो है ना फुल पैकेज था ये एक तरह से ना मैरून ब्रेड्स का कि वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं पानी के अंदर भी थे वो जो है हर फोर्स के साथ तकरीबन वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन बहुत अच्छा था मुझे तो अच्छा लगा इतने ज्यादा सामान एक एक कमांडो के साथ इतना इक्विपमेंट होता है कि वो हर चीज को यूज करने के लिए बिल्कुल ट्रेंड है
इनके पास छोटे छोटे लॉन्चर्स भी हैं, इनके पास स्पेशल हाँ ग्रेनेड्स भी हैं, गन्स भी हैं, छोटी पिस्तौल्स भी हैं, बहुत सारा इनके पास सामान होता है। बिल्कुल इसका मतलब ये बात चलता है कि ये ऑलराउंडर्स हैं। बिल्कुल ये क्या नाम है इसका, आप पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, ये टैंक्स भी चला रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, हाँ बहुत ही अच्छी फोर्स है। हम लोग हमेशा इनसे इनके फैन रहे हैं और आज इनको देख के हमें तो बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल तो थैंक यू सो मच जिन्होंने हमसे ये लिंक शेयर किया। इस तरह के मज़ीद लिंक्स शेयर करें और गोस प्रोडक्शन को हम ये कहना चाहेंगे कि मज़ीद इनके ऊपर लिंक्स लेकर आए, वीडियोज़ बनाएं ताकि उस पर हम रिएक्शन कर सकें और ख़ुद भी बिल्कुल देख सकें। बिल्कुल तो इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके दोबारा देखना देख सकते हैं। गोस प्रोडक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके साथ साथ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहा करे। इसी अच्छी वीडियो के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।